नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत वितरण। बिलारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अयोध्या से आए पूजित अक्षत ग्राम पालनपुर, श्याम सिंह भूरी आदि ग्रामों में वितरण किए गए तथा लोगों से अपील की गई 22 तारीख को घर पर रहकर ही सुबह को पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शाम को दीपावली मनाएं। 22 तारीख के बाद श्री अयोध्या आकर रामलाल के दर्शन करें। कार्यकर्ताओं ने मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से आया निमंत्रण पत्र भी लोगों को दिया। इस दौरान संगठन के बिलारी प्रखंड अध्यक्ष हरगोविंद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष किलेंद्र मैथिल, मंत्री जयदेव मौर्य समेत अनेकों विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। इस बार दीपावली मनाने का मौका मिला है। शाम को भव्य रूप से, दिव्य रूप से अयोध्या की झांकी का स्वागत करना है। मंदिरों में आस्था सफाई करके समाज के साथ मिलके सामूहिक सुंदरकांड, भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा, रामायण इत्यादि कार्यक्रम मंदिरों पर। नाम जयदेव मौर्य, ग्राम नीवरी का रहने वाला हूँ। प्रखंड मंत्री बिसुंदु परिषद बिलारी ग्रामीण ने मुझे पालमपुर गांव और भूड़ी गांव में लगाया था कि यहाँ पे अक्षत वितरण नहीं हुए हैं, तो हम पालमपुर में कार्यक्रम करने के बाद ग्राम भूड़ी में इस समय अक्षत वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से, सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन किया है कि आने वाले 22 तारीख को दीपावली की तरह। नाम हरगोविंद है, ग्राम पालमपुर से मैं अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद प्रखंड बिलारी। तो मैंने सुबह आज 9 बजे से अपने ग्राम अयोध्या से आए हुए अक्षत चावल वितरण किए। उसमें सभी लोगों को जानकारी दी मैंने, गांव में अपने सब लोगों को बताया कि गए हमने हर घर में अक्षत चावल के अलावा 11-11 दीपक दिए जलाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, और एक कैलेंडर दिया पूजन के लिए जिसमें 2024 का कैलेंडर है। और उसके अलावा हमने स्टिकर जय श्री राम लिखे हुए हर घर के दरवाजे पर लगवाए हैं। इसके अलावा हमने सबको जानकारी दी कि 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद में शाम को दीपक जलाना है, अयोध्या मनानी है, एक तरह से पालनपुर को। जय श्री राम।